लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एक्सरसाइज 1F, दैट इज नंबर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 12th इज इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन x के होल क्यूब की, x माइनस 1 अपॉन x के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है, राइट फ्रेंड्स. तो अब हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 1 के नीचे x की वैल्यू रखी, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई हुई तो एज इट इज आ गया, अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 टूज 4 माइनस 3, तो आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3, राइट फ्रेंड्स. अब हमें x माइनस 1 अपॉन x के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है, मिडिल ब्रैकेट लगा रही हूं. x की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस रूट 3, माइनस का साइन लगाया ये वाला बीच में, और 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 प्लस रूट 3, राइट फ्रेंड्स, उसका होल क्यूब. नाउ मैं स्मॉल ब्रैकेट्स खोल रही हूं, 2 माइनस रूट 3, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस रूट 3 का होल क्यूब, राइट फ्रेंड्स. अब ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 था, कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो क्या आ गया, ये माइनस 1 प्लस माइनस का 1 रूट 3, माइनस का 1 रूट 3, तो ये हो गया माइनस का 2 रूट 3 का होल क्यूब. क्यूब का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो पहली बात माइनस आई. अब 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए 2 टूज 4, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हो गई और रूट 3 की 3 बार मल्टीप्लाई हो गई, राइट फ्रेंड्स. तो ये कितना है, 2 टूज 4 टूज 8, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 इंटू रूट 3, तो ये कितना आ गया, 24 root 3, तो answer is 24 root 3 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.